नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि की दैनिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 19 अक्टूबर 2024 शनिवार का दिन है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष आज द्वितीय तिथि है। नक्षत्र आज है भरणी। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:36 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। आज का सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 6:25 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहेगी मेष राशि पर। आज का राहु काल यानी अशुभ काल का समय रहेगा तकरीबन दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 2:54 तक रहेगा। इस राहु काल में कोई भी शुभ और नया कार्य ना करने तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि की दैनिक राशिफल की, और ये प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि के जातकों, आज का दिन ठीक है। मानसिक चिंताएं हालांकि कम होगी। धन की स्थिति आज बढ़िया रहेगी आपकी। धन आने का नया अवसर भी मिलेगा कन्या राशि के जातकों, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा आज के दिन कमजोर रहेगा, जैसे कि मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ेगा। किसी बात की चिंता ना करें, काम के सिलसिले में थोड़ा सा कमजोर है, इसीलिए कन्या राशि के जातकों सावधान रहिएगा। अपनों का प्रेम मिलेगा, रिश्तों में प्रेम बढ़ा हुआ है, प्रेम जीवन जी रहे हैं तो भी ठीक है। घर के किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। पुरानी उधारी चुकाने में सफलता मिलेगी आज के दिन। आज आपको उच्च पद नेतृत्व का अवसर भी मिलेगा। किसी भी दोस्त और रिश्तेदार पर ज्यादा भरोसा ना करें, नहीं तो धोखा पक्का खाएंगे। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले, नहीं तो नुकसान होगा। और क्रोध ना करें, क्रोध करने से बचें। यानी वैवाहिक जीवन में क्रोध करने से तकरार बढ़ेगा, तो क्रोध पर कंट्रोल बनाए रखें। अचानक से कोई महत्वपूर्ण काम आज बन जाएगा, जिससे आपको राहत मिलेगी, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, आज किसी इंटरव्यू में एग्जाम में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होगी। कोई कंपटीशन की तैयारी करें, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में है, तो बिल्कुल इसमें आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, उपलब्धि प्राप्त होगी, आत्मविश्वास भी आज बढ़ेगा। नकारात्मक यह है कि पड़ोसियों से किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, कुछ भी बातें, ऐसी चीजें ना हो, इसका ध्यान रखें। और महत्वपूर्ण कार्यों पर आज फोकस करें, ध्यान केंद्रित करें। आज यात्रा अगर करना चाहते हैं तो टाल दें, ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा ना करें तो बढ़िया है आपके लिए। खासकर भाइयों को आज सफलता मिलेगी, भाइयों का सपोर्ट भी मिलेगा। आज आप इन लीगल कार्यों से दूर रहें, चाहे वो पैसे के मामले हो या फिर जमीन प्रॉपर्टी का मामला हो, कोई भी कार्य हो, घर हो या फिर बाहर हो, इन लीगल कार्य बिल्कुल ना करें, नहीं तो नुकसान होगा। अगर इन लीगल कार्य से दूर रहेंगे तो उत्तम रहेगा। सकारात्मक बदलाव आपके रिश्ते में दिखेगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आज बहुत थोड़ा यानी समय बिताएंगे। हालांकि यहां पर अनुकूल वक्त है, चीजें स्थिर रहेंगी। रिस्क वाले काम काज से दूर रहिएगा। शाम से लेकर रात्रि तक छोटे मोटे कष्ट या भागदौड़ आज हो सकती है। मान हानि का मामला बना हुआ है। शारीरिक परेशानी थोड़ा सा आज परेशान कर सकती है। कार्यस्थल पर थोड़ा सा अच्छा लेखा जोखा देखने को मिलेगा तो सफलता भी मिलेगी। घरेलू मामलों में आज आप खुश हैं, आपके लिए रोमांचक खुशियों से भरा दिन है। प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी और आज खासकर मन की इच्छा पूरी होने से खुशी मिलेगी। देर शाम तक आपको अपने व्यवसाय के किसी कंपटीटर्स को पीछे छोड़ने के लिए नए टिप्स अपनाने होंगे। आपके संपर्क से आपको इससे लाभ होगा। महिला मित्रों से आज जरा सावधान रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सावधान होकर चलिएगा। और साथ ही साथ आज शत्रु, जो गुप्त शत्रु हैं, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। और महत्वपूर्ण पद वगैरह में अगर आप बैठे हैं तो खासकर ज़्यादा सतर्क रहिएगा। और महत्वपूर्ण यानी अपनी भावनाएं हैं, जो भावनाओं पर कंट्रोल रखिएगा, किसी के साथ व्यक्त मत करिएगा। जल्दबाजी में निर्णय आज के दिन बिल्कुल ना ले। जो लोग विदेशी कंपनी से जुड़े हैं, उनके लिए लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, विदेश जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लापरवाही बिल्कुल भी आज आपके लिए सही नहीं रहेगा। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग है। मान सम्मान यश कीर्ति आज के दिन बढ़ रही है। शादीशुदा जिंदगी में बातचीत अगर नहीं हो रही है तो देर शाम तक अनबन समाप्त होगी, इसलिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा। आज घर परिवार में जिम्मेदारियां भी बढ़ती नजर आएगी। आज आपको भाइयों का सपोर्ट मिलेगा।
साथ ही आज कहीं पर भी धन इन्वेस्ट करने से बचना भी होगा। करियर में आज आपके तरक्की कदम चूमती नजर आएगी। आज के दिन ठीक है, व्यापार में उन्नति है, नौकरी में उन्नति के योग बने हुए हैं। आज धन का आगमन डबल रहेगा और आपके लिए कोई आज शुभ समाचार, कोई गुड न्यूज भी प्राप्त होगी। पुराने मित्रों से, दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन थोड़ी मानसिक परेशानी आपको परेशान आज के दिन कर सकती है, क्योंकि एक तो खर्चा बढ़ा हुआ है आज के दिन, इस वजह से आपको क्रोध आ सकता है। तो पैसे कहीं पर भी कंट्रोल कीजिएगा, इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ कर ही खर्चे करिए। फैमिली की बात करें तो फैमिली में आज परिवार में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर संभल के रहना होगा। आपको कोई वाद विवाद नहीं करना है और वाणी पे नियंत्रण बना के रखना है। आज आपके लव रिलेशनशिप की बात करें तो मधुरता बनी रहेगी, एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे और यहाँ पर अपने विवाह की चर्चाएं कर सकते हैं। तो घर वाले भी आज यानी कि सपोर्ट मिलेगा घर वालों का, लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज स्वास्थ्य में थोड़ी मानसिक परेशानी, घुटनों में दर्द, पेट की समस्या, आंखों की समस्या थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, मौसमी समस्या देखने को मिलेगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का। आज आपके करियर में बड़े अधिकारियों का सपोर्ट प्राप्त होगा, जो उच्च पद नेतृत्व कर रहे हैं, जो उनका सपोर्ट प्राप्त होगा। खासकर तालमेल भी बना के चलना होगा। आज मनमुटाव बिल्कुल नहीं करना होगा, लाभ होगा, परिश्रम कर रहे हैं तो इससे आपको फायदा होगा। व्यापार जो करते हैं जबरदस्त आमदनी बढ़ेगी। आज व्यापार कारोबार में धन वृद्धि का योग बना हुआ है, आज लाभ होगा। और जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई पे फोकस करें, पढ़ाई पे ध्यान दें तो अच्छा है, लड़ाई झगड़े से दूरी बनाए रखें। व्यापारी वर्ग हैं तो धन के मामले में आज के दिन समय बेहतर है, यानी आज का काम आपका बेहतर चलेगा, एक के बाद एक काम यानी कि बनते चले जाएंगे। और आज किसी धार्मिक समारोह में शामिल हो सकते हैं, धार्मिक समारोह में शामिल होने का योग बन रहा है। किसी करीबी मित्र का, रिश्तेदार का या फिर सगे संबंधियों का सपोर्ट प्राप्त होगा, जो आपके लिए अच्छा है। गाड़ी वाहन की खरीदारी करेंगे, लंबे समय से जमीन प्रॉपर्टी गाड़ी वाहन का सुख जो प्राप्त करना चाह रहे थे वो आपको आज मिलेगा। आज कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे जो काफी समय से पेंडिंग अधूरे थे, लाभ की स्थिति बनी रहेगी, लगातार आमदनी होगी, माता पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा। साथ ही आज ससुराल पक्ष से भी कुछ उपहार स्वरूप कुछ मिल सकता है। लव पार्टनर अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, मान सम्मान समाज में मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो लाभ होगा। आज कुछ विशेष व्यक्तियों से मुलाकात होगी। आज आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी कलर, भाग साथ निभाएगा 86% और भाग्यांक शुभ भाग्यांक रहेगा 6। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।